स्वागत है आपका हबी लाबी में। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अरबी के पत्तों का साग, और इसको यहाँ पे मैंने मसूर की दाल के साथ बनाया हुआ है। आप चाहें तो मूंग की दाल के साथ भी बना सकते हैं। तो मैंने ये 10-12 पत्ते ले लिए हैं और ये इनको अच्छे से धो कर के काट लिया है। और आप अगर डंठल वाले मिलते हैं तो ज़्यादा अच्छे होते हैं, आप डंठल काट के भी डालिए। तो मैंने मार्केट से लिए थे तो केवल उन्होंने पत्ते ही दिए हैं, तो पत्तों को अच्छे से धो लिया और धो करके काट लिया है। यहाँ पे 2 टेबल स्पून दाल ली है और इसको 1 घंटे के लिए गर्म पानी में डाल के सोक कर दिया है। मसालों में मैंने लिया है जीरा है, तो ये 1/2 टीस्पून जीरा है, 1/2 टीस्पून मेथी दाना है, 2 सूखी लाल मिर्च है, 2 से 3 चुटकी हींग के हैं। और यहाँ पे आप चाहें तो लहसुन भी काट के डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। ये अमचूर पाउडर है 1 चम्मच, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच सरसों का तेल गरम कर लिया, और जब तेल अच्छे से गरम हो जाएगा तब तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा तेल गरम हो गया है, मैंने मेथी दाना डाल दिया, जीरा डाल दिया, 2 सूखी लाल मिर्च और ये हींग। तो अभी सावन चल रहे, मैंने लहसुन नहीं डाला है, आप चाहें तो यहाँ पे लहसुन डाल सकते हैं। और ये जो दाल हमने सोख करके रखी थी तो दाल भी डाल दी। तो तड़के के साथ दाल को अच्छे से भून लेंगे, धीमी आंच पे भूनना है। जब दाल थोड़ी सी भून जाएगी तब यहाँ पे डालेंगे पत्ते। तो ये पत्तों को डाल दीजिए यहाँ पे, और अभी थोड़े से ज्यादा लग रहे हैं, पर थोड़ी देर में वो जैसे ही पानी छोड़ेगा पत्ता तो सब थोड़ा सा हो जाएगा। तो मैंने सारे पत्ते डाल दिए कढ़ाई में, और यहाँ पे डाल दूंगी नमक, और नमक डाल करके इसको ढक देंगे 5 मिनट के लिए। पांच से सात मिनट हो गए हैं और ये देखिए हमारे अरबी के पत्तों ने पानी छोड़ दिया है, नमक डाले थे उसके कारण पानी छोड़ दिया। तो इसको ढक करके और थोड़ी देर पकाएंगे, और आप इसको जितना ज़्यादा पकाएंगे ये सब्जी उतनी ही अच्छी बनेगी, क्योंकि अगर कम पकाएंगे तो गले में खुजली कर सकती है। तो अमचूर पाउडर डालना बहुत ज़रूरी होता है, यहाँ मैंने अमचूर पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर डाल दिया, और इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। तो बस टिप्स यही है कि जब भी आप अरबी के पत्तों की भाजी बनाएं तो उसको अच्छी थोड़ी देर तक पकाएं, तो उसका जो गले में खुजली जो होती है उसको खाने पर वो नहीं होगी। और ये हमारी भाजी बनके रेडी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सपोर्ट करें। तो एक बार ज़रूर बना के देखिए, बारिश के मौसम में अभी अच्छे पत्ते आ रहे हैं अरबी के। थैंक यू।